मीठे ब्रिज के गार्डन रीच में रेलवे काउंटर को बंद किए जाने के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता का मेटिया ब्रिज गार्डन रीच एक घनी आबादी वाला इलाका है और यहां लाखों की संख्या में लोगों की आबादी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से 15 साल पहले जब 2009 में ममता बनर्जी रेलवे मंत्री थी तो उन्होंने गार्डन रीच के लोगों को बंगला बस्ती जिलानी गिराज के पास एक रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का तोहफा दिया था। इससे यहाँ के लोगों में काफी खुशी थी क्योंकि उन्हें रेलवे टिकट के लिए धर्मतल्ला, कोलाघाट या हावड़ा स्टेशन जैसे दूर दराज के स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अचानक पिछले दिनों रेलवे द्वारा एक फैसला लिया गया जिसके तहत मंगलवार 17 दिसंबर से मेटिया ब्रिज गार्डन रीच का ये रेलवे रिजर्वेशन काउंटर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इस काउंटर को बंद किए जाने के खिलाफ आज सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि रेलवे अपने इस फैसले को वापस ले, इससे यहाँ के कई लोग प्रभावित होंगे। लोग ऑनलाइन टिकट नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए रेलवे को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस अवसर पर लोगों ने रेलवे मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मेयर फिराद हकीम और अभिषेक बनर्जी से इस फैसले को बदलने की मांग की है। सर मटिया ब्रिज से 3.5 लाख रुपया का जो है वो डेली मैं दे नहीं सकता हूँ भाई। यहाँ जो परेशानी हो रही है आम लोगों को, जो परेशानी होगी इसके बंद होने से, सर इसके बंद होने से जो परेशानी होगी तो उस पे आप क्या नहीं सिक्योरिटी में रेलवे काउंटर था, रेलवे काउंटर है, रेलवे काउंटर आइंदा रहेगा, यही हमारा तमाम आवाम का अप्लाई है और इसका हम लोग का रिक्वेस्ट है। ममता बनर्जी हो या फिर बॉबी हकीम हो, हमारे शम्स इकबाल हो, हम लोग तमाम आवाम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई हम लोग का डिमांड वगैरह नहीं है। आप अगर किसी भी तरह का नोटिस दे रहे हैं तो आपको वजह बताना पड़ेगा। बिना वजह हम लोग प्रोग्राम में यहाँ पर बिजी हैं और अचानक आप नोटिस देते हैं और नोटिस में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि हम काउंटर बंद कर रहे हैं इंग्लिश में। अगर कोई भी आदमी जानता है तो उसको पढ़ सकता है, सिर्फ यही लिखा हुआ है इतना 4-5 लाइन में कि यह काउंटर 18 तारीख से मुंतविल हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, ये इसका वजह हमको जानना है। हम तमाम लेडीज, अरे अगर हम अकेले सिंगल पार्टीज करते हैं तो हम लेडीज कभी यहाँ से राशन लेंगे उठकर के मार्केट चला जाता है, कभी यहाँ से मतलब लेडीज को खड़ी तकलीफ है और कुछ नहीं है। आप लोग आती है या टिकट कटा रहे बीमार पड़ता है, मुंबई जाना हुआ, बैंगलोर जाना हुआ किसी बड़े इलाज के लिए तो यही आते हैं टिकट बनाने के लिए, कहीं और नहीं जाते। किसी पेशेंट को कैंसर है तो ये काउंटर में आते हैं बनाने के लिए, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो यही काउंटर आते हैं बनाने के लिए। ये काउंटर चला जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ मर जाए, इलाज नहीं कराए या मर जाए, यही करे क्या करे यहाँ पर। आदमी चाह रहा क्या चाह रहा, यही हो रहा है ना कि मुसलमान एरिया में अच्छा कोई चीज ना रहे, इनका मतलब तो यही है। 250-300-400 लाख का आबादी में एक छोटा सा 20 लाख का आबादी में छोटा सा ये चीज ना रहे, यही चाहते हैं सब। अरे नहीं, सोचिए आवाम के बारे में, सोचिए किसी गरीब लोग के बारे में, सोचिए कि कोई दूर जाके नहीं, कोई कहीं जाके नहीं, बस यही पास में आ जाता है। राजा गरीब नवाज के घर जाना है टिकट बना रहे, वारिस पाक के घर जाना है टिकट बना रहे, ये सब क्या है, क्या है ये सब। अगर हादसा होता है कोई भी तो ही जाता है, किसी का बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है तो टिकट बनाने जाता, कोई अलीगढ़ में पढ़ रहा तो टिकट बनाने जाता है, ये सब क्या है। तो कुछ तो होना चाहिए, इस तरीका से क्या है ये सब। हम लोग का अपील है, ममता दीदी का दिया वार, ममता दीदी दी है, यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। हम लोग इसके लिए विरोध करेंगे, सब लेडीज विरोध करेगी, सबको जरूरत पड़ता है। किसी का हस्बैंड कहीं है, कोई गांव में कोई ससुराल जा रहा है गांव का टिकट बना रहा, कोई मायके जा रहा है गांव का टिकट बना रहा है ना। अगर हस्बैंड दुबई में काम करते हैं, किसी के हस्बैंड दुबई में काम करते हैं, अगर किसी को कहीं जाना हुआ तो फोन करके ही ना जाते भैया यहाँ से हम टिकट बना रहे हैं कहीं भी चले जा रहे हैं, क्या है बोलिए। इन्फॉर्मेशन ठीक है, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं, मेरा नाम रियाजुद्दीन है, मैं F70 गार्डन रीच रोड रेलवे रिजर्वेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, उसका मैं लैंड लॉर्ड। ये 2009 में ये रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था,
तो अचानक से एज ए गिफ्ट समझिए मटियापुर वालों को ये उन्होंने दिया था। तो ये लगभग 15 साल ये चला है, 2009 से लेके 2024 तक, सितंबर 2024 तक इसका ये 15 साल मतलब हो रहा है। ये अचानक हमको पता चला कि मतलब फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में आपको नोटिस कब आया? मुझे कोई नोटिस अभी तक फिलहाल मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। अच्छा, कोई भी नोटिस नहीं है मेरे पास। ऑलरेडी इनका जो एग्रीमेंट का पेपर है जो इन्होंने अभी भेजा है मेरे को, ये एग्रीमेंट मेरा 19 सितंबर को ख़त्म हो रहा था, इसका पेपर उन्होंने भेजा, तो मैंने 40,000 पहले रेंट लिख करके उनको भेजा था। फिर उन्होंने कहा कि रियाज भाई मतलब हम लोग का 10% का इंक्रीमेंट है उसके हिसाब से, तो फिर मैंने उसको 10% के हिसाब से मैंने उनको एग्रीमेंट साइन करके मैंने उनको दे दिया। उसके बाद मुझे लास्ट फ्राइडे पता चल रहा है कि मतलब ये जो है एग्रीमेंट नहीं होगा, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से पीआरएस जो मटियापुर पीआरएस है ये ख़त्म किया जा रहा है। आपसे कोई बात नहीं, मेरे से कोई बात नहीं है, मुझे मतलब यहाँ पता चला नीचे काउंटर में। मैं उसी दिन फ्राइडे के दिन मैं CCMD अर्जुन मजुमदार से मैं मिला 4 बजे के टाइम, तो मैंने उनसे कहा कि सर सुना है कि आप लोग ये ख़त्म कर रहे हैं रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। बोला हाँ ये GM का ऑर्डर है साउथ ईस्टर्न रेलवे का कि वहाँ मटियापुर में और रेलवे काउंटर नहीं रखा जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई क्या वजह है, 25 से 30 लाख की आबादी है, 70% लोग मतलब जानते नहीं कि ऑनलाइन टिकट कैसे लिया जाता है। अगर सपोज़ कि आज आप ख़त्म करेंगे तो जो भी आदमी जाएगा, फैमिली का 5 आदमी का टिकट बुकिंग करने जाता है, तो अगर एक एजेंट उसको 50 रुपये या 100 रुपये भी करके देता है तो समझिए 500 रुपये उस आदमी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं बोला एटलीस्ट ये सोच करके आप मतलब इसको यहाँ पर रहने दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं रियाज भाई ये हम लोग नहीं रखेंगे, ये हम लोग का फाइनल डिसीजन हो चुका है। मैं बोला अगर आपको रेंट पर कुछ अगर मतलब ये करना है भाई आवाम के लिए, हम बोला कि ठीक है 2-3 हज़ार रुपये अगर रेंट पर आप बोलते हैं तो मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पैसा नहीं है कुछ मेरे लिए। मैं बोला कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीज़ है, मतलब लोगों का काफ़ी भला हो रहा है, तो इसके हिसाब से मैं बोला उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, बट अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है कि मतलब मैं रेलवे रिजर्वेशन काउंटर ख़त्म कर दूँ। लेकिन 15 सालों के बीच में यहाँ पर 2 सीटिंग है, तो क्या कभी सीटिंग बढ़ाने के ऊपर बातचीत हुई आप लोगों की? लोग के लिए करते हैं वोट देते हैं, अपना टाइम इतना बिजी करके देते हैं, बच्चों को छोड़ के दिन भर धूप में लाइन लगा के, तो लोग को भी तो हम लोग के बारे में सोचनी चाहिए, हम लोग भी तो उनको बनाया है। वैसे तो कोई को नहीं मिल जाता है कुर्सी तक तो हम लोगों की गुजारिश है हुकूमत बंगाल से, हम लोग को भी तो हम लोगों की गुजारिश है हुकूमत बंगाल से, उनको हम लोग के ऊपर डिपेंड है, हम लोग भी तो उनके ऊपर डिपेंड। मद्देनजर रखा जाए और हम लोगों की जो तकलीफें हैं वो तकलीफों को देखा जाए, क्योंकि तमाम लोग यहाँ परेशान हैं, तमाम लोग हम लोगों की हुकूमत बंगाल से गुजारिश है कि हम लोगों की परेशानी को देखा जाए और महसूस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हर एक लोग गरीब मजदूर और काम करने वाले लोग हैं जो अपना काम छोड़कर यहाँ से कहाँ जाएंगे टिकट बनाने। तो ये बगल में टिकट काउंटर है, इससे बहुत आराम है, हमारी माँ हमारी बहनें हमारी दादी हमारी नानी जो भी हो वो आती हैं और बहुत ही आराम से यहाँ पे टिकट बना लेती हैं, और यहाँ पे टिकट बनाने वाले लोग भी बहुत आराम से उन लोगों का सुविधा और बहुत अच्छे से मुहैया करवाते हैं। तो इसीलिए हम लोग गुजारिश करते हैं तमाम लोगों से, जो लोग यहाँ पे हैं और जो नहीं है वो भी जान लें इस माइक के जरिए से कि आप लोगों को यहाँ पे आना है टिकट के लिए तो नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि ये टिकट काउंटर रहना चाहिए और हमारी माँ बहनों को तकलीफ ना हो, हमारे भाइयों को तकलीफ ना हो, बस यही कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे? क्या शफकत बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे इस मौके पे? जी ये बहुत मतलब बहुत खराब बात है कि इतना मुस्लिम घेटों में और इतना जो जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, 15-16 लाख की आबादी है, वहाँ पर एक इकलौता रिजर्वेशन सेंटर था और उस रिजर्वेशन सेंटर को बंद कर दिया जा रहा है। ये तो भाई दीदी का दिन था ना, दीदी ने रेलवे मिनिस्ट्री में दिया था यहाँ के पब्लिक को गिफ्ट, तो अब क्यों बंद करवा दिया जा रहा है? अगर ये एरिया के बारे में जैसे बता रहे हैं कि ये एरिया सही नहीं है इसलिए बंद करवा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर तो इतना बड़ा डिफेंस मिनिस्ट्री, यहाँ के यहाँ रिजर्वेशन सेंटर में जो बैठते हैं वो लोग आम पब्लिक से बोल रहे हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉई है वो 15 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है, तो कुछ नहीं है। और अभी इतना बड़ा डिफेंस का मिनिस्ट्री यहाँ पर है,
यहाँ शिप बिल्डिंग कंपनी है तो आज तक बंद नहीं हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कंपनी है, गार्डन हिल शिप बिल्डिंग कंपनी। अभी रिजर्वेशन सेंटर जहाँ से आम इंसान, यहाँ सिर्फ मुस्लिम नहीं हिंदू लोग भी रहते हैं, हर कौम के लोग रहते हैं, इतना घना आबादी में जो आज ये डिसीजन लिया गया है रैंडमली कि ये रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा, तो ये तो पब्लिक को मारा जा रहा है ना। हम लोग कहाँ जाएंगे, कितना दूर जाएंगे, बहुत कोई ट्रेवल नहीं कर सकता। औरतें आके आराम से यहाँ पर बना लेती थी क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में ये रिजर्वेशन सेंटर है। अभी रिजर्वेशन सेंटर अभी फिर से जाएंगे वो बाबू घाट के आगे में, कहाँ पर जाएंगे, फेरी के पास जाएंगे। सारी औरतों को तो पॉसिबल नहीं होता ना कि उतना दूर ट्रेवल करे, यहाँ अजमेर जाना होता है या कहीं घूमने जाना होता है, फौरन हम लोग यहाँ आते हैं और करवा लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद देखिए टाटा मेमोरियल ऐसा एक जगह है, मेरी अम्मी खुद एक कैंसर सर्वाइवर रही है, हम लोग बहुत बार यहीं से ही मैक्सिमम टाइम बना लिए, अचानक से वहाँ से अपॉइंटमेंट आ जाता है तो हम लोग यहाँ आके फौरन बना लेते हैं अपना टिकट। तो अब जाने में तो बहुत टाइम लगेगा और फिर बहुत कोई जा नहीं पाएगा, तो ये परेशानी सिर्फ हम ही लोग क्यों करें। इससे पहले हॉस्पिटल का मामला हुआ गार्डन रीच में, अब ये वाला मामला हो रहा है, तो गार्डन रीच के आवाम से इतना बेरुखा मतलब सुलूक क्यों किया जा रहा है गवर्नमेंट। हम लोग सबको ही वोट देते हैं टीएमसी को, तो टीएमसी को तो यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए ना। यहाँ पर मेजॉरिटी चाहे काउंसलर साहब हो या एमएलए हो, सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतते हैं। माला रॉय जो अभी एमपी फिर से इलेक्ट हुई है, सबसे ज़्यादा वोट से जीतती है। यहाँ मार्जिन इतना रहता है कि सेकंड जो अपोजिशन में पार्टी रहता है वो कभी सोच भी नहीं सकता कि इतना मार्जिन हो सकता है। तो जब हमारा वोट यूटिलाइज किया जा रहा है तो हमें क्यों फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि वी शुड हैव दिस। ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना कि जितना भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट सिर्फ मटिया ब्रू से ये बेसलूकी क्यों किया जा रहा है, ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। और अगर ये आज बंद हो जाता है तो यहाँ कितने लोग क्या पूरा मटिया ब्रूज इन पूरा बोरो यहाँ सफर करेगा। बिरजुनवाला से भी लोग आके यहीं पर बनाते हैं, आसपास के सारे एरिया से लोग आके बदर तल्ला हाँ पूरा पूरा मतलब जो लास्ट आपका वार्ड है कोलकाता कॉर्पोरेशन का, वहाँ से भी सब आके बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फेरी क्रॉस करके जो हावड़ा का आ जाता है डिस्ट्रिक्ट नाजिमगंज ना क्या नाम है नाजिमगंज, वहाँ से लोग आके यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि ये ज्यादा मतलब ज्यादा करीब पड़ रहा है। तो भाई हम लोग कहाँ जाए, आप बताइए कि मटिया ब्रूज को आप एकदम अलग कर दीजिए, तब ऐसा कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन मतलब मटिया ब्रूज के बोल दीजिए कि आप लोग कोई कुछ डिजर्व नहीं करते, आप लोग यहीं पर बंद बैठे रहिए। आप बोल दीजिए, गवर्नमेंट बोल दीजिए, आप कोई आप अच्छा मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, आप एक रिजर्वेशन सेंटर जो चल रहा है रनिंग रिजर्वेशन सेंटर, अगर नहीं चलता तो एक बात थी, जब चल रहा है तो उसको क्यों बंद किया जा रहा है। यहाँ पे दो सिटिंग ही मतलब है, अगर तकरीबन जो आपका 9-10-11 से चल रहा है तो सिटिंग कम से कम बढ़ा गलत है कि नहीं। यहाँ पर 15 लाख का आबादी है और एक घर का ऑफिस लगा आदमी खा नहीं गला है, आप बताइए गरीब हो या अमीर हो या कम करता है, जाना कहीं जगह होता है अजमेर के टाइम में और बोलना ये है कि आखिर ममता बनर्जी 2009 में जब वो रेलवे मिनिस्टर थी उस वक्त उन्होंने टाटा नीट बोरो 15 के लोगों को उन्होंने गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट ये था, जो बरसों बरस से यहाँ के लोग जो कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि रेलवे काउंटर यहाँ पर हो और रेलवे के टिकट आसानी से यहाँ के लोगों को फराहम हो जाए, उसका तोहफा ममता बनर्जी ने अपने रेलवे मंत्री के टाइम में यहाँ 2009 में उन्होंने ये उद्घाटन किया और उस वक्त से बहुत ही स्मूथली चल रहा था। लेकिन अचानक अभी 13 तारीख को एक नोटिस आता है कि ये परमानेंट तरीके से बंद हो जाएगा। तो आखिर बात यह है कि जब बोरो 15 जहां कम बेस 15 से 16 लाख की आबादी है और इस रेलवे काउंटर में अगर दूसरी जगह जाती है पहले तो यहां से कम 14 से 13 किलोमीटर दूर है,
लोग इतने बिजी है, यहाँ इतना मजदूर एरिया है कि लोग वहाँ जा भी नहीं पाते हैं। 200 रुपया 150 रुपया कमाने के लिए सारा चाचा घंटा पांचवा घंटा यहाँ सर्फ होता है। तत्काल के लिए बहुत आराम रहता था सुबह सुबह, यहाँ हर तरह से आराम था, लोग खुद ये जाते थे। लेकिन 13 तारीख का नोटिस यहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक इस तरह का चोट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि उसका इंतहा हो गया है। चूंकि रेलवे काउंटर आप हटा रहे हैं 2009 से कमोबेश 15 साल हो गया है, लेकिन क्यों हटा रहे हैं? आज तक यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ। लोगों ने नोटिस में रीजन क्या दिया? मजा रहे कोई नोटिस में तो कुछ लिखा है ना? कोई कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। कहने मतलब ये कि ये इलाका, आप बोलिए जरा सर, ये इलाका बहुत स्मूथली चलता है, टोटल ये माइनॉरिटी एरिया है, मुस्लिम एरिया है और यहाँ बहुत स्मूथली चल रहा है। लेकिन बिगैर किसी वजह से हटा रहा है, यहाँ पर कोई हंगामा नहीं हुआ। अगर कोई डिस्टर्ब एरिया होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिफेंस फैक्ट्री JRAC नहीं होता यहाँ पर। अगर ये इलाका डिस्टर्ब होता तो यहाँ हिंदुस्तान लेवर जो बरसों बरस से चल रहा है यहाँ पर कामयाबी के साथ नहीं चलता। अगर डिस्टर्ब होता तो CST का सबसे बड़ा यूनिट सॉर्जन स्टेशन जो है यहाँ पर चल रहा है, यहाँ बहुत सारा फैक्ट्रीज है, AIGC कंपनी यहाँ है। आखिर वजह क्या है? क्या आप यहाँ से लग, सिर्फ यही वजह है कि एरिया माइनॉरिटी है, यहाँ पर अकेले लोग रहते हैं, यहाँ इस काउंटर में स्टूडेंट भी आती हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, लेडीज भी आती हैं, यहाँ पर जो ओल्ड एज लोग हैं वो लोग भी आते हैं। लेकिन आज पेशेंट आते हैं, इसके लिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने MLA जो यहाँ के कोलकाता के मेयर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, मिस्टर फराज हकीम साहब, हमारे यहाँ के MP जो है माला राय, हमारे यहाँ के काउंसलर इज्जत मुआब शम्स इकबाल अनिल भाई हैं, हम इनसे कोशिश करेंगे कि अवामी सहूलत के हिसाब से आपके लीडर ममता बनर्जी ने जो तोहफा दिया यहाँ के लोगों को, बोरो 15 के लोगों को, वो ये सल्व किया जा रहा है, छीना जा रहा है, इसका काउंटर आप करें। हम तमाम आवाम आपके साथ हैं, इसके लिए आप जिस तरह इशारा करेंगे हम लोग करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर काउंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपील करना चाहें, आप वजह बताइए, कोई तो वजह होता है शिफ्ट करने का। ममता बनर्जी ने अपने जब वो हुकूमत में थी, सेंट्रल हुकूमत में, उन्होंने महसूस किया था कि यहाँ के लोगों को टिकट, रेलवे टिकट के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यहाँ के लोगों को तोहफा दिया, यहाँ की CM थी, तो मैं सेंटर से ही कहना चाहूँगा आखिर क्या वजह है भाई? वो तो महसूस की थी कि हमारे यहाँ के वोटर सहूलत की वजह से यहाँ पर हम दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या नुकसान हुआ है, क्या परेशानी है जो यहाँ से विदाउट एनी नोटिस आप 4 दिन में दे रहे हैं? 4 दिन छुट्टी का दिन है, 4 दिन छुट्टी है, संडे है, नबी दिवस है, विश्वकर्मा पूजा है, अचानक आज करने के बाद आप लेके चले जा रहे हैं। आपको नोटिस देना था, बाड़ी अलग को डिस्प्यूट अगर है, चूँकि रेंटेड है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइवेट है, उससे कोई डिस्प्यूट है उसका वजह बताइए। हम लोग साथ देंगे, हमारे MLA, हमारा काउंसलर शम्स इकबाल, हमारी जो MP है, हमारे CM, उससे बात करेंगे, इसलिए CM यहाँ आई है ना, तो हमारा यहाँ पर बताओ वजह बताइए। वरना अगर यहाँ से रेलवे जाएगा तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का JRAC के तमाम यहाँ वर्कर को हम लोग रोक देंगे, JRAC का में जो जितना यह काम होता सब हम लोग रोक देंगे यहाँ पर।